हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर बैक विद अनदर GT5 सीरीज़। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड में, जिमी जो था उसको वो जेल में उठा के ले गए इंस्पेक्टर टुल्ला। तो आज यार हम उसको रेस्क्यू करने जाएंगे, बल्कि इसकी जमानत ही कराएंगे। तो गाइस ये चेक करो लेक्सस और हमारी लैंड क्रूज़र, ये लैंड क्रूज़र रिकवर होगी हमारी। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, कमेंट में बताना वीडियो कैसी थी और लाइक लाजमी कर देना। तो गाइस ये जो लेक्सस है ये मेरी है माइकल की, और जो लैंड क्रूजर थी ये जिमी की थी। अब जिमी की नहीं रही, उस मोटे सांड के लिए ना साइकिल ही ठीक है। इतना सांड हुआ जा रहा है, खा के पिज़्ज़े बर्गर खा के फोसल मुर्गी बन गई। ये देखो ब्रॉयलर मुर्गी बन गई। ये देखो इसके लिए ये साइकिल सही है यार। चेक करो यार स्पीड 69 लिखा है ऊपर, K9। अच्छा, ये साइकिल मैं लाया हूँ उसके लिए। मैंने कहा उस मोटे सांड के लिए ठीक है, बड़ा शोखा हो गया था। मना भी किया भाई आगे मत जाइए ज़्यादा, कॉलेज जा रहा था। मैंने कहा कोई नज़दीक है घर से तो चला जाए, खैर है थोड़ा शो ऑफ कर दे, पैसा हमारे पास बहुत है हराम का। नहीं, उसने जाना था माउंट चिलेट पे, वहाँ पे उसकी बेबे आई हुई थी। तो चलते हैं यार, अब इसकी बेबे घर तो है नहीं वैसे, मांडा जो है इसकी बेबे दिखाता हूँ। ये देखो मांडा, ये मेरी और मांडा की जब शादी हुई थी ना, ये हमारे ये मेरे अम्मा अबू हैं, वो अम्मा अबू और ये हमारी पूरी फैमिली, हैप्पी फैमिली। और ये देखे जिस दिन, ये वो मनोज थी ना जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अब चलते हैं यार, वैसे मनोज तो नहीं है यार सब, मैं तो अमांडा के पैसे पर उछल कूद रहा हूँ। सबसे पहले अच्छे कपड़े पहन लेती हैं, एक ये पहनती हैं, ये अमीर लगे बंदा। तो कपड़े मैंने बताता हूँ क्यों पहने अच्छे, क्योंकि हम जाने पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर ठुल्ला से मेरी बात हुई है। वो कह रहा है कि 1,00,000 रुपये आप ला के जमानत के दोगे, तो फिर वैसे इतने लगते तो नहीं है, वो बड़ा हरामी है। उसको पता लग गया कि लैंड क्रूजर वाला आदमी है, अमीर शीर है। मुझे लगता है जिमी ने शौकी मार दी होगी इसके आगे, तो इसलिए 1,00,000 मांग लिए। तो यार मैं सोच रहा हूँ अकेले नहीं जाता, मुझे ना फ्रैंकलिन को कॉल कर लेनी चाहिए, उसे पता करना चाहिए कि वो है किधर। और ब्रीफ केस जो ऊपर पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपये का, वो भी उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन को देखते हैं, अगर वो फ्री है तो ठीक होगा। वैसे मैं सोच रहा था अमांडा को ले लेते हैं, अमांडा जो है वो शॉपिंग करती रहती है, रोज़ चली जाती है 4-5 घंटे के लिए शॉपिंग करने। कोई नहीं, चलो फ्रैंकलिन को कॉल कर लेते हैं। Franklin, hey kid, you want to do something? Yeah, all right, homie. If we still socializing, cool. Let's do it. Great. I'm on my way. तो गाइस फ्रैंकलिन कह रहा है भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वो अच्छा आदमी है, मतलब आ जाता है हमेशा, हेल्प करता है हमारी। तो मैं ज़रा ब्रीफ केस उठा लूँ कमरे से अपने। तो गाइस यार मैं ब्रीफ केस ले के आ गया हूँ घर से बाहर, ये देख सकते हो यार, दिखाता हूँ आपको। ये ब्रीफ केस जिसमें 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो मैं ये लेक्सस भी चलता हूँ आज, आपको लेक्सस की ड्राइव भी दिखाया था, क्योंकि उस दिन जो यार लेक्सस ले के आए थे, हशर नशर हुआ था इस गाड़ी का। तो आज ऐसा वैसा सीन नहीं, आज मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी होगी। है ये रशीद मैकेनिक का यार, बस है यार उसकी दुआएं और उसने की है सारी। तो अगर आपको रशीद मैकेनिक का नहीं पता तो उसका एपिसोड भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आप जाके चेक कर लो। रशीद मैकेनिक वो वैसे ना ट्रेवर का दोस्त है, तो हमारा भी दोस्त बन गया। तो देखते हैं फ्रैंकलिन साहब कहाँ पे हैं। तो फ्रैंकलिन साहब यहाँ पे अपने घर के पास ही हैं, तो चलते हैं यार। थोड़ा अच्छा है, आपको मैं दिखा दूँगा गाड़ी का पिकअप विकअप सारा। गाड़ी का पिकअप तो अच्छा है यार, 70 मार लेती है इजी। चलो चलते हैं ऊपर। गाड़ी जो है ना हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी, लैंड क्रूजर की भी अच्छी है, लेकिन लेक्सस जो है ना यार उसकी बहुत ही अच्छी है। लेक्सस है भी ज़्यादा महंगी गाड़ी है वैसे लैंड क्रूजर से। उसकी क्लास भी लैदर ही है, चेक करो यार अंदर से इसका, ये लैदर शैदर चेक करो। और इंटीरियर इसका बहुत ही मज़े का, और इसका एक्सटीरियर भी थोड़ा वेल डिफाइंड है, और जबकि लैंड क्रूजर का इतना अच्छा डिजाइन डिफाइन नहीं हुआ। स्पीड देखो यार 130-140, ये तो लग रहा सही स्पोर्ट कार चला रहा हूँ कोई। वैसे इसको अगर हम अपग्रेड करा लेंगे तो ये ज़्यादा स्पीड वाली हो जाएगी, तो उसको देखेंगे किसी दिन फ्री होके हम इसे भी अपग्रेड करवाएंगे। अभी से हमने अपग्रेड नहीं कराई, बस गुजारे वाला जो काम था वो हमने करवाया, बस इसी गली से ऊपर जाना है। अच्छा फ्रैंकलिन साहब अपने घर ही हैं, ये हो गया। चलो भाई आ गए फ्रैंकलिन साहब के घर। ओ आ गया फ्रैंकलिन साहब, तो सही एक्शन में चेक करो यार, सही बनैन पहन के आया है। हाँ जी, और सुनाओ फ्रैंकलिन साहब, रोजा कैसा जा रहे हैं यार? मेरा ना पूछ, मेरा रोजा बहुत ही बुरा है। एक रोजा रखे इधर, मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने जा रहा हूँ यार। व्हाट यू मीन, तुझे नहीं पता यार जिमी जो है यार वो जेल में कैद हो गया। What you talking about?
यार व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, बता तो रहा हूँ जिमी जो है मेरा बेटा आलू कोफ्ता सांड वो जो है वो पकड़ा गया है जेल में। चलो यार पुलिस स्टेशन का निशान लगाते हैं कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन का निशान लगा लिया, अब चलते हैं यार बैक, रिवर्स करना पड़ेगा। I sold everyone down the river for a life I thought I wanted, but it was empty, and I had to keep telling myself everything was worth it. Then to top it all off, ये आपस में थोड़ी गपशप में मार लें, हम देखते हैं गाड़ी का पिकअप कैसा है, स्पीड वगैरह क्या है, मतलब कंट्रोलिंग भी देखते हैं आज, और इसका आर्मर टेस्ट करते हैं। वैसे आर्मर टेस्ट तो हो ही गया था, एक्सीडेंट में बहुत बुरा हो गया था इसका, लैंड क्रूज सर्वाइव कर गई थी और वैसे भी पीछे खड़ी हुई थी इसलिए बच गई, नहीं तो वो भी ना बच पाती। वैसे ये चेक करो ड्रिफ्ट तो बड़ी अच्छी मारी है। ये क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर का एड लगा हुआ है, आजकल के दौर में कौन देखता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन यूज करता है, बल्कि यार ये रोड पे गाड़ियाँ पार की हैं मनुष्यों ने। वैसे मेरा दिल था मांडा को आज लेके चलते हैं जेल तक के, वो ना जिमी की कुत्ते वाली करे सही। वैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा था नौकरानी की वीडियो जो उसने बना ली थी मेरी, और उसकी ब्लैकमेल कर रहा था कि अब दिखा देगा मांडा को। ओके हम आगे निकल आए हैं, यू टर्न ले लेते, कोई नहीं, अबू की रोड है। गाड़ी से ही कंट्रोलिंग तो अच्छी है काफ़ी यार, मुझे पसंद आई है, अंदर से भी दिखाया था हम लोगों को। पैसे पहले ग्लासेस उतार लेते हैं, ग्लासेस नहीं उतारा यार माइकल, पता नहीं क्या होगा, चलो ऐसे ही देख लो। माइकल आज मूड में कह रहा है मैंने ग्लासेस नहीं उतारनी। हाँ से टर्न लेना है, ओ भाई नज़र नहीं आया, ड्राइविंग थोड़ी बहुत अच्छी होगी हमारी, नहीं तो पहले तो बहुत ही फारिग थी। सिनेमा नहीं जाना हमने, कह रहा है हम क्लोज हैं सिनेमा से, ये देखो सिनेमा आगे ना, ये सिनेमा, ओह सॉरी सॉरी। तो आगे यार पुलिस स्टेशन, हम यहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी को। चलो भाई ये देखो खून पड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन के सामने। चल भाई आ जा फ्रैंकलिन, बाहर आ जा फ्रैंकलिन साहब, आ जाओ यार बदमाशी। वो गन नहीं निकालनी, गन नहीं निकालनी, आराम से बात करेंगे, आराम से करेंगे बस, आ जाओ यार। फ्रैंकलिन नहीं मान रहा, कह रहा नहीं मैंने गन निकाल ली है। चलो कोई नहीं यार, वैसे भी इसके हालात वैसे ही पुलिस होने का ख़राब है। हाँ जो जी, ओ इंस्पेक्टर ठुल्ला साहब यही खड़े हैं सामने। हाँ जी इंस्पेक्टर ठुल्ला साहब ये ना, अब आओ जी थोड़ा पे, इंस्पेक्टर ठुल्ला ही है, क्या गल है। हाँ हाँ मैं जिम गन अंदर रखो। हाँ ये इग्नोर करें यार गन को, ये मतलब ना बस इसने टॉय गन उठाई हुई है, इसकी आदत है, ऐसे अलाउड नहीं है। अच्छा तो जिमी किधर है अभी? जिमी दी मैं टूई दी चित्रोल ला के मैंने उसे जेल बंद कर छोड़िया, नाल बची भी होती। तो अब पैसे वैसे तो मैं ये ले आया हूँ, ये ब्रीफ केस ये आप ले लो मुझसे, और बाकी जिमी को आप रिहा पैसे ले आओ, थे मैं क्रैक कर देना ये ले पैसे, एक घंटे च रिहा हो जैसी, ये डॉक्यूमेंट बनसन जरूरी जड़े होते हैं, तो फिर रिहा को जैसी ले जाओ। तो पैसे हमने दे दिए हैं इसको, और फ्रैंकलिन ने शुक्र है गन भी अंदर कर ली अपनी, तो वो कह रहे हैं कि एक घंटे तक रिहा कर देंगे, वो थोड़ा उसके डॉक्यूमेंट शॉक्यूमेंट बनेंगे, तो तब तक हम थोड़ा सा बाहर घूम फिर आते हैं। आओ आओ जाओ जिमी भी तक। फ्रैंकलिन में बैठ के थोड़ी सी हम चक्कर शक्कर मार के आते हैं जब तक घंटा गुजर जाए। थोड़ी फिल्म दिखा देते हैं इसे, फिल्म कह रहा था फिल्म देखनी है, चलो कोई नहीं तुझे फिल्म दिखा देते हैं। आज सिनेमा इधर ही है वैसे, घंटे की शॉर्ट मूवी देख आते हैं जब तक, हम गाड़ी तो पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी वैसे यार सही क्लासिकल है यार कसम से, क्लास वाली गाड़ी है। कमेंट बताओ कैसी लगती है गाड़ी वाली, मेरी तो वैसे पर्सनल फेवरेट कार यही है। आजा फ्रैंकलिन, आजा भाई फ्रैंकलिन वहाँ से बातें कर रहे हैं, ये चेक करो यार सेंटा क्लॉस आ गए, अरे कर मुंह अपना मकरू शिकला लिया, तुझे बहुत तकलीफ हुई है, तेरा खसम है, है? खसम है तेरा, चल निकल यहाँ से टुंडी मुर्गी, ये देखो कैसे चल रही है मुर्गी। आजा फ्रैंकलिन इनको इग्नोर मार, गन ना निकाली बस। तो गाइज हम लोग यार आधी मूवी देख के आ गए, तीफा एंड ट्रबल लगी हुई थी अंदर, तो वो हमने आधी मूवी देख के हम आ गए, तो ये लाशें भी बाहर ही पड़ी, दफा करो। चल आजा यार अब तक घंटा तो हो ही गया, 10 मिनट काम है बस, और चलते हैं देखते हैं डॉक्यूमेंट्स बन ही गए होंगे। एम्बुलेंस भी आ गई है घंटे बाद, 40 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है। चल बैठ फ्रैंकलिन,
गाड़ी दिखाता हूँ फिर से, ये देखो डैशबोर्ड वगैरह चेक करो, इसका स्पीडोमीटर बहुत मजे का कसम से। और फ्रैंकलिन सुना, इतनी मनहूस शक्ल पे तूने कैसे रौनक लाया? अच्छा अच्छा सीक्रेट है, कह रहा सीक्रेट है मैं नहीं बता सकता। फेयर लवली लगाई होगी इसने गाड़ी, यार सही मजे की है कसम से। 100 की स्पीड है यहाँ गलियों मार के। अरे यार घंटा तो हो गया, चल आजा फ्रैंकलिन। सिगरेट पी रही है, इधर मेरा दिल तो कह रहा है इसको मैं कुट लगाऊंगी, जो आई है शक्ल देखो इसकी, जरा कॉफी को कैसे पी रही है, मुंह बना जरा, फिर लानत पड़ी हुई शक्ल पे, ठुल्ली गई की ठुल्ला तो आपने देख लिया होगा, एक और ठुल्ली हुई। ये चेक करो यार, ऑफिसर साहब काम कर रहे हैं, बेल्ट पकड़ के खड़े हुए हैं। तू सस्ता सलमान खान ना बनना। हाँ जी इंस्पेक्टर ठुल्ला साहब, क्या बना फिर, बन गए डॉक्यूमेंट्स? आओ जी डॉक्यूमेंट बन गए ने, तो तुसी अपनी झूठ नू नाल लै जाओ। चलो जी ठीक है जी, आओ जी तुसी दोए मेरे पीछे पीछे आए जाओ, तो मैं तुहानू दुकाना कित्थे है थोड़ा जिमी ते तुहाडी बची। ओके ओके हम आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे आई जाओ, मेरे को टाइम नहीं है थोड़ी इस भैन की सीधी। इतने आओ जी, इतक थोड़ी दोए झूठा बंद हुई ने इतने जेल च, इतको बची नाल फिर पिया सी दला। पापा पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। पुत्र तू तो घर चल, तेरी तो मैं छित्रोल कराता हूँ मांडा से। चलो जी मैं ताला खोलने का, उन तुरसी टोई कुटनी है टोई कुटो, जो मर्जी करना करो, इधर दफा हो जाओ बाहर मेरे पुलिस स्टेशन टू, समझ आइए नहीं। ओके जी इंस्पेक्टर ढुल्ला साहब, हम बस जा रहे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी दफा हो जाओ इधर। तो गाइस फ्रैंकलिन जो है सो जरूरी काम आ गया था, तो वो टैक्सी करा के चला गया, तो इस मोटे की तो मैं खबर लेता हूँ, तू घर चल पूता तेरा मैं ढूंढ लाल करता हूँ। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है, झूठ बोल रहा है। मासूम कितना लगता है, ये शक्ल देखी इसकी, ये देख बच्ची रखी हुई है साथ, फिर आता रहता है। तुम्हें सीधा कराता हूँ, तुझे अमांडा सीधा करेगी। चल अब तुझे लैंड क्रूजर नहीं, तुझे साइकिल मिलेगी, चलते अब यहाँ से जल्दी जल्दी आओ ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਸੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਸਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੀ ਐਸੀ ਚਿਤਰੋਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਆਇੰਦਾ ਕਿ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਭੀ। ਹੁਣ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇਧਰੋਂ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਖਸਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਇਸ ਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ, ਇਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। तू पेठिया घर चल, तुझे मैं बताता हूँ जानती है या नहीं जानती। चलो गाइस अब इसकी छित्रोल का वक्त आ गया, जैसे घर लेके चलते हैं, और हो सकता है मांडा भी आ जाए, तो मैं आपको मांडा भी दिखा दूंगा जो उसकी स्पोर्ट्स कार है। बस दुआ करना यार ठुकी भी ना हो उसकी स्पोर्ट्स कार, अभी कल ही मैंने उसे रिपेयर करवा के दिए, जबकि जिमी की मैंने लैंड क्रूजर ठीक करवाई है। वो कल हर रोज़ ठोक के आती है, हर रोज़ शॉपिंग जाती है, हर रोज़ ठोक के आती है। ज़रा घर का लोकेशन लगा लूँ, जिमी इधर जीपीएस पे लगाना निशान ज़रा घर का। अच्छा पापा जी। ओके तो यार घर का निशान लग गया, तो यहाँ से जाएंगे हम हाईवे से, आपको थोड़ी हाईवे पे इसकी स्पीड शीट दिखा देते हैं, कि तीसरे गियर पे चल रही है अभी, चौथे गियर पे हो गया, अब 140 की स्पीड पर जा रही है, पाँचवा गियर मार लिया। चलो आगे से दिखाते हैं, थोड़ा और स्पीड मार लेते हैं, आगे से यू टर्न ले लेंगे। 140 हाँ बस सही है, अच्छी जा रही है, बस यहाँ से यू टर्न मार लेते हैं। इंडिकेटर्स भी हैं, लगाते हैं नहीं हम। चलो गाड़ी पिकअप बहुत अच्छा है यार, लैंड क्रूजर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको लैंड क्रूजर का अच्छा लगा या फिर लेक्जस का। अगर आपने लैंड क्रूजर का नहीं देखा हुआ पिकअप अभी तक, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। ओहो हो देखो बातों बातों में ठोक डाली, चलो कोई नहीं करवा लेंगे, पैसा हराम का बहुत है, टेंशन नहीं लेनी, बस हराम का पैसा हराम में लगना। देखो ऐसे एक्सीडेंट थोड़ी होती हैं, रोज़ अमांडा ऐसी एक्सीडेंट कराती है, अब हराम का पैसा हराम ही लगना है।
स्पीड देखते जाओ गाड़ी, बस 160 मारी। अंकल ये गाड़ी तो आराम से चला ले। चुप कर तू रुखसाना, बहुत ही बदतमीज आप। बाहर आ जा रुखसाना। तो लैंड क्रूजर जो हमने गैराज में खड़ी करवा दी है उसे काम वाले से कह के, जो ड्राइवर भी रखा हुआ हमने एक, अब इसे नहीं मिलेगी जिमी को। जिमी के लिए यहाँ साइकिल रखी थी मैंने, वो भी इतनी की अंदर गैराज में खड़ी कर दियो। तो जिमी तेरे लिए मैंने साइकिल मंगवा ली है, तू साइकिल बजाया के सामने तो बेइज्जती ना करें। तू ना बेइज्जती करूँ, मैं इसके सामने बेइज्जती नहीं करूँगा। इसकी एक बात साइकिल वाली देखो, सांड हो गया खा खा के पिज़्ज़ा बर्गर। रुखसाना को देख कितनी स्लिम स्मार्ट है, वो अपने आप को देख सांड। चलो जाओ तुम दोनों अब घर जाओ अंदर, मैं ज़रा अमांडा का वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पहुँची है। गाइस अमांडा से मेरी बात हुई, वो कह रही है कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। वो कह रही है कि मैं शॉपिंग कर ली है बस आ रही हूँ घर। मैं कलेशन को निशाना डलते डलते बच जा तेरी बहन जी सी। आ गई हूँ मैं जवान होके। मांडा तुम घर आ गई? हाँ। यार ये देखो मैंने क्या कहा था यार, ये बड़ा गंदा ड्राइवर ड्राइविंग करती है, ये देखो कैसे उछाल उछाल के आई है। वो देखो दरवाज़ा ही पागल हो गया, ठोक ठोक के इसने उतनी क्या क्या किया। किधर गई मांडा? हाँ मांडा शॉपिंग कैसी हुई? शॉपिंग नहीं की मैंने, विंडो शॉपिंग की है। अच्छा विंडो शॉपिंग करने की थी? ये तुमने 18 टेनिस से क्यों कपड़े पहने हुए होती हैं, जाके दूसरे कपड़े पहने? मेरी मर्जी, मुझे पता है तुम्हें टेनिस बहुत अच्छा लगता है। ये गाड़ी का क्या हाल की? मैं कार अच्छी ड्राइविंग करती हूँ ना, कितनी देखो कैसे मैंने पार की, कोई कर नहीं सकता। यार देखो यार मैं कहता हूँ ना, ये गाड़ी बिल्कुल चलाने आती, स्पोर्ट्स कार है, पता नहीं पार्किंग किस तरह की है यार। ये देखो तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार, ये गाड़ी तो रोज़ ही तोड़ तोड़ के इसने इसका कबाड़ा कर दिया है, इसके टांके लगवाता हूँ रोज़ में। ये देखो रोज़ इसके टांके लगवाने पड़ते हैं, कभी इसने क्या क्या किया हुआ होता है। तो ये गाड़ी में बैठते हैं देखते हैं, बैठने होता भी है नहीं नहीं भाई, वो लेक्ज़स में बैठता है माइकल। गाड़ी की हालत नहीं है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको दे देते हैं कबाड़िए को, और इसको ले देते हैं टोयोटा प्रियस रेड कलर में ले देते हैं, इसे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। रेड कलर नहीं पिंक कलर अच्छा लगता है साले। हाँ हाँ पिंक जो भी है, देखो पिंक कलर का इसे हेड पता नहीं क्या कैप पहनी हुई है, तो इसे पिंक कलर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है रेड कलर में लेके दी इसलिए तोड़ती रहती जान जान के। तो यार बताओ टोयोटा प्रियस ले दें इसे क्या? और गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऐसी वीडियोज़ के। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, पीस।